ठंड कहर बरपाने लगी है। आने वाले कुछ दिनों में लोगों को हाड़ कपाने वाली सर्दी से जूझना पड़ सकता है। पिछले कुछ दिनों से देश शीतलहर की चपेट में है। 11 राज्यों में ठंड का थर्ड डिग्री टॉर्चर देखने को मिलेगा। भारतीय मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 दिनों के दौरान पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में घना कोहरा होने की संभावना है। उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 5 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच है। खास करके पंजाब के कई हिस्सों में और हरियाणा के कुछ हिस्सों में ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस बीच उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। राजधानी दिल्ली कोहरे की चादर में लिपटी हुई है। दिल्ली में 25 और 26 दिसंबर को शीतलहर चल सकती है। इन 2 दिनों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। लखनऊ में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और अधिकतम तापमान 25 डिग्री दर्ज किया गया है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में घना कोहरे की संभावना जताई है। कोहरे और विजिबिलिटी कम होने से सड़क हादसे तेजी से बढ़ रहे हैं। शीतलहर बढ़ने की संभावना। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान सुबह और रात के समय हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और त्रिपुरा में घना कोहरे की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में शीतलहर की स्थिति गंभीर होने वाली है। इस बीच मौसम विभाग ने तमिलनाडु और केरल समेत दक्षिण के कई राज्यों में मध्यम बारिश की संभावना जताई है। घना कोहरा और कड़ाके की सर्दी के बीच दिल्ली सरकार ने शीतकालीन अवकाश की घोषणा कर दी है, लिहाजा शिक्षा निर्देशालय की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। दिल्ली के सभी सरकारी स्कूल 1 से 15 जनवरी 2023 तक विंटर वेकेशन के तहत बंद रहेंगे। वहीं 9 से 12वीं कक्षा के लिए 2 से 14 जनवरी तक रैंडमली क्लास चलेंगे। इधर यूपी में सरकार ने प्राइमरी स्कूलों की टाइमिंग बढ़ा दी है। गौतम बुद्ध नगर में 1 से 12वीं तक के स्कूलों को 9 बजे खोलने के आदेश दिए गए हैं। कोहरे के चलते उत्तर भारत की कई ट्रेनों पर इसका असर पड़ा है। पूरे देश में 241 ट्रेनों को पूरी तरह से और 29 ट्रेनों को आंशिक तौर पर रद्द कर दिया गया है। साथ ही 26 ट्रेनों को रिशेड्यूल किया गया है और 30 ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है। इसके अलावा भारतीय रेलवे की कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं।